नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खरगोन जिला मुख्यालय पर रेत का व्यापार करने वाले व्यापारियों ने पुलिस के खिलाफ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपना ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने से पहले एसडीएम ओम नारायण से तीखी नोकझोंक हुई, क्योंकि जिला मुख्यालय पर धारा 144 लगी हुई है। ऐसे में किसी प्रकार का ज्ञापन आदि देने के लिए एसडीएम कार्यालय से अनुमति लेना आवश्यक होता है, लेकिन इन रेत व्यापारियों ने किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली थी। रेत व्यापारियों के अनुसार पुलिस विभाग के द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है वो भेदभावपूर्ण की जा रही है। पुलिस विभाग के द्वारा हमारे डपरों की रॉयल्टी होने के बावजूद भी धारा 189 में प्रकरण बनाकर हमारे ड्राइवर को जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि डोंगरगांव में हुए बस हादसे के बाद पुलिस विभाग ने मुस्तैदी से इन ओवरलोड डंपर पर कार्यवाही से रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है, जिसको लेकर इन व्यापारियों ने कलेक्टर परिसर में अपना ज्ञापन दिया, जिसके बाद भाजपा कार्यालय पहुंच जिला अध्यक्ष राजेंद्र राठौड़ को रेत मिट्टी वालों ने कार्यालय पहुंच ज्ञापन सौंपा। देखना यह है कि अब भाजपा की सरकार गलत का साथ देती है या सही का। एक ओर प्रशासन और एक ओर रेती मुरूम माफिया, जो कि शासन की रॉयल्टी की चोरी कर टोकन सिस्टम से अपना जेब भर रहे हैं। अब ये देखना है कि बीजेपी किस ओर अपनी करवट बदलेगी। एक ओर रेत वाले जिन्होंने बीजेपी कार्यालय में ज्ञापन दिया और दूसरी ओर प्रशासन जिन्होंने इनके ऊपर कार्यवाही की ओवरलोड होने के कारण। फिलहाल देखना ये होगा कि क्या पुलिस प्रशासन ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगा पाएगा या राजनीति दबाव प्रशासन पर भारी पड़ेगा। पुलिस विभाग के सूत्रों के अनुसार पुलिस के द्वारा जो कार्यवाही की गई है वो नीतिगत है। आगे भी ओवरलोडिंग वाहनों पर पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। उनकी मांग के अंदर वाहन जो पकड़े जा रहे पुलिस के द्वारा और उनपे एफआईआर भी की जा रही है, क्या किस तरह से हम ज्ञापन? नहीं, मुझे अभी नॉलेज में नहीं है। मुझे तो ये सूचना मिली थी कि हमारे यहाँ 144 लागू है कलेक्ट्रेट में, वहाँ पर एक टेंट लगा के बहुत सारे लोग धरने पर बैठे हैं, जो 144 का उल्लंघन है और भी संवैधानिक या विधि का उल्लंघन है। तो मैं इसको चेक करने के लिए मेरे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार पुलिस के साथ पूछने आया था। फिर उनसे मैंने यही पूछा कि आप बताइए आपको किस की अनुमति के साथ यहाँ पर ये एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि हर एक की अनुमति होती है और मैं एसडीएम हूँ तो मेरी ड्यूटी है कि इन सब चीज़ की अनुमति दे के विधिवत संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार करना। फिर वो लोग एक्टिव होकर के यहाँ तक आए हैं, अब वो अभी देखते हैं उनने अब किसकी अनुमति ली क्या है। ये विषय तो उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है, जो ज्ञापन में तथ्य दिए गए हैं उसे माइनिंग अधिकारी या विधि के अनुसार परीक्षण करेंगे और ऊपर ज्ञापन भेजेंगे। ज्ञापन के दौरान तो में भी बहस भी हुई? नहीं, वो उनका एक्टिविटी है, वो बताया। मेरा उद्देश्य लॉ एंड ऑर्डर, मैं इतना चाहता हूँ कि जो 144 लागू है मेरा मुख्य उद्देश्य विधि का संविधान का पालन करना है और मेरे को इसीलिए नियुक्त किया गया है, तो अपना इतना ही ड्यूटी रहती है। तो सर कार्रवाई होगी कुछ जो भी विधि है वो तो विधि का परीक्षण होगा, जो लिखा है तथ्य है। अभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिपोर्ट देंगे, पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट है, तो अब देखते हैं उसमें क्या क्या तथ्य आते हैं, जो भी नियम प्रावधान है अपन उसको दिखवाते हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में 144 लागू है? हाँ, अभी वो अब जब तक है, और वैसे भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट खुद अब एसडीएम खड़ा अनुमति देने, हम तो यही पूछा मैंने आते से कि आपको किसने अनुमति दी, क्योंकि मैं खुद एसडीएम हूँ, मुझे मालूम कि अनुमति है तो आप मुझे दें भाई। सभी जो भी है ज्ञापन देने आते हैं वो अनुमति का ऐसा नहीं है सभी का, मेरा मुख्य उद्देश्य ज्ञापन देने के तरीके होते हैं, एग्रेसिव तरीका नहीं होता। शांतिपूर्वक अगर कोई व्यक्ति ज्ञापन देता है या कोई अपनी बात कहता तो विधान उसको बोलता है। 144 इसलिए लागू नहीं है कि किसी को उग्र हो, इसलिए कि शांतिपूर्वक कोई भी व्यवहार किया सकता है, संविधान और कानून में है।